ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। सो गाइस फाइनली मेरा हेलीकॉप्टर का जो है टिकट हो चुका है और आज मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। अभी मेरा हेलीकॉप्टर है सो मैं इसीलिए पूरा रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ हेलीकॉप्टर के वहाँ पर। वहाँ से मैं उड़ान भरूंगा सीधे मेरे महादेव के दर्शन करने के लिए। जय श्री केदार। सो मैं जा रहा हूँ उधर ही। सो देखते हैं एंड चलो आप लोगों को भी मेरे साथ दर्शन कराऊंगा, आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगा, मैं भी दर्शन करूंगा। बाय, क्या बोलूँ अभी। चलो 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 चलते हैं। और आज मैं ये छोटा बैग लेके जाने वाला हूँ, मेरा सा ये छोटा सा बैग, क्योंकि 2 kg ही लिमिट है, मतलब हेलीकॉप्टर पे 2 kg का ही लिमिट है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेके जा सकता। और बाकी जो लोगों ने मुझे दिया था ना वो सब इस पे डाल दिया मैंने, तो वही मेरे कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि 2 kg का ही लिमिट होता है, जो लगेज होता है उस पर। और कल देखो, कल मैं इधर ही इसे यहाँ पर रुका था, अरे ये ठीक नहीं किया मैंने अभी। भगवान को दर्शन करना कोई इजी बात नहीं है। अभी मैं जस्ट निकल नहीं रहा था, बारिश हो गया और बारिश में जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो बारिश जब रुकेगा तभी मैं जाऊंगा, क्योंकि जब बारिश होगा ना तब हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेगा। तो अभी तो बारिश हो रहा है, सो देखते कब तक रुकता है। तो यस, अभी मैं पूरा होटल से निकल चुका हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ हेलीकॉप्टर के उधर पैदल। मैंने साइकिल को उधर बाहर ही रख दिया होटल के बाहर, कल से उधर ही है क्योंकि इधर कोई भी हाथ भी नहीं लगा था, तो लॉक लगा के रखा था बाहर। और अभी मैं जा रहा हूँ, एक्चुअली मेरा जो फ्लाइट था, मतलब हेलीकॉप्टर था, वो सुबह था, बट सुबह से बारिश हो रही थी इसके कारण सुबह जा नहीं पाया और सुबह से एक भी हेलीकॉप्टर जो है उड़ान नहीं भरी। तो अभी थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है हल्की, लेकिन अभी मुझे आशा है कि बारिश जो है रुक जाएगी, इसके कारण अभी मैं पैदल जा रहा हूँ। 1.8 किलोमीटर दिखा रहा है एंड चलो चलते 1.8 किलोमीटर जल्दी पहुँच जाएंगे। और हमारा हेलीकॉप्टर भी क्या होता है पता नहीं, मेरा टाइम तो जो रिपोर्टिंग टाइम था वो सुबह था, बट सुबह तो कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरा। मेरा अभी कैंसिल हो गया कि नहीं वो तो नहीं पता, वहाँ पर जाके ही पता चलेगा हेलीकॉप्टर के। वहाँ पर जाके वीडियो बनाऊँगा और देखूँगा जाके कुछ। ये गाड़ी इतना तेज आता है इधर कीचड़ में, पूरा गंदा कर देगा। और जो वहाँ का रोड है ना फटाका, वो भी बन चुका है। अभी जो है पैदल यात्रा के लिए जो लोग आ रहे हैं, तो मैं उन लोगों को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अभी रास्ता बिल्कुल भी नहीं बना है, आप लोग मत आओ। जो कि वीडियो पे जो लोग बोलते हैं ना वो सब कुछ फेक बोलते हैं, अभी रास्ता नहीं बना पूरी तरीके से। अगर 2-3 दिन लगातार धूप होगा ना, बारिश नहीं होगा, तभी यात्रा जो है चालू होगी। लेकिन आप लोगों को नीचे रह के, हरिद्वार पे रह के भी पता नहीं चलेगा कि ऊपर बारिश हो रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर मौसम हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि ये पूरा ऊंचा जगह है ना, पूरी ऊंची जगह है, तो हमेशा मौसम 1 सेकंड में चेंज हो जाता है। तो बारिश होता है तो काम नहीं कर पाते वहाँ पर, और जो कर्मचारी है जो काम करते हैं वो भी डरते हैं बारिश होने से, क्योंकि अगर बारिश होगा तो उधर से ऊपर से लैंडस्लाइड होता है, ऊपर से पत्थर गिरते हैं और रोड भी टूट जाता है और साथ में रिक्स भी है, इसके कारण बारिश में काम बंद हुआ पड़ा है। इसके कारण आप जो देख रहे हो ना वीडियो पे, यात्रा चालू हो गया पैदल यात्रा ये वो, तो यात्रा बिल्कुल चालू नहीं हुआ है, हेलीपैड का ही यात्रा चल रहा है। देखो अभी बारिश फिर से आ रहा है, बारिश आएगा तो आज मैं भी मतलब मेरा हेलीकॉप्टर भी नहीं जाएगा। सो देखते हैं कि वो क्या होता है अभी। लोग एक बार ये देखो, अभी जस्ट जो है ना मौसम पूरा चेंज हो गया, देख सकते हो पूरा फॉग है, पूरा फॉग हो गया। अभी थोड़ी देर बाद ये फॉग जाएगा और धूप आएगा और फिर से बारिश हो जाएगा। तो यहाँ पर मौसम 1 सेकंड में जो है इतना चेंज हो रहा है मौसम। अरे किधर तो लैंडस्लाइड हो रहा है, पूरा आवाज आ रहा है भाई। पत्थर गिरने की आवाज आ रही थी अभी उधर के साइड, देखो पूरा धुआं हो गया यार। देख सकते हो ये हेलीपैड पे जाने का रास्ता, बाकी मुझे भी इतना अच्छे से पता नहीं है, तो मैं भी जा रहा हूँ अभी। इधर मुझे गाइड करने के लिए भी कोई नहीं है, तो जस्ट जा रहा हूँ। तो इधर ही बोला मेरे को भैया ने जिस पे रुका था वहाँ पर, तो इधर ही जाना है मेरे को। चलो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ हेलीपैड के इधर, और उधर खड़ा हुआ है हेलीपैड, उधर देख सकते हो उधर ही खड़ा हुआ है। बाकी हाँ क्या सीन रहता है देखते हैं। अभी मैं क्या बोलूँ यार, मेरा जो टिकट था वो कैंसिल हो चुका है वेदर की वजह से। अभी भैया ने मुझे हेल्प करूँगा बोला है, तो नीचे
मतलब यहाँ पर काउंटर पे मेरा नाम और एड्रेस लिख के जाना पड़ेगा। अगर कोई भी सीट खाली होता है तो फ़ोन करेंगे, और बाकी ऑफलाइन टिकट करना पड़ेगा। बाकी ऑफलाइन तो नहीं होता, लेकिन भैया जुगाड़ कर देंगे बोला। बाकी देखते जो भी हो, जितना भी मेरे पास पैसा है वो लगा के मैं टिकट करूँगा, क्योंकि मुझे तो दर्शन करना है। अभी 7 दिन बाद जो है मेरे अकाउंट में फिर से जो मैंने टिकट किया था ऑनलाइन उसका पैसा आएगा। अभी भी वो भी फंस चुका है, वेदर की वजह से मेरा टिकट जो है कैंसिल हो चुका है। क्या बोलूँ यार मैं। तो इधर मैं अभी काउंटर पे अपना नाम और एड्रेस लिख के जाऊँगा, ताकि मुझे फ़ोन करेंगे। बाकी मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, यहाँ पर आज अगर होगा तो मैं जाऊँगा, तो आज यहाँ पर बैठा रहूँगा। जो मतलब जिसका कन्फर्म हुआ है वही लोग जाएंगे, तो देखते हैं। देखो कितने लोग बाहर हैं, अभी मौसम के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा है। मौसम सही होगा तो मेरा भी चांस है, कैंसिल हो गया फिर भी मेरा चांस है। भैया से मैंने बात कर लिया, ऑफलाइन कर लूँगा। बाकी ऑफलाइन तो यहाँ पर नहीं होता बोला, फिर भी भैया करा देंगे बोला, तो वेट करने के लिए बोला। अगर सीट खाली रहता एक भी तो उसी पे मेरा कर देंगे। तो सीन क्या बोलूँ यार, अभी क्या हो रहा है पता नहीं मेरे साथ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर का इनका कन्फर्म हुआ है, सभी का फिर से कैंसिल हो गया। और यहाँ पर कैंसिल लोग भी है और कन्फर्म लोग भी है। ये देखो पूरा फॉगी फॉगी मौसम है ना, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसके कारण हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भरेगा, और बारिश भी होगा तो भी नहीं भरेगा। अभी शायद हेलीकॉप्टर चलने वाला है, हेलीकॉप्टर का देख सकते हो रेनकोट उतारा जा रहा है। अभी जो है सारे यात्री जाएंगे, जिनका टिकट कन्फर्म है वो पहले जाएंगे, और अगर कुछ भी एक सीट बचता है तो उस पर मैं जाऊँगा। मेरा तो कैंसिल हो गया, मैं ऑफलाइन करके जाऊँगा अगर एक भी सीट बचता है तो। देखते क्या होता है। फाइनली अभी पहला उड़ान भरेगा धीरे धीरे करके। पहला हेलीपैड चला गया, वो फिर से जा रहा है। ये देख सकते हो टिकट का फेयर। फाइनली अभी जो है धूप आ चुकी है, तो आज थोड़ा सा आशा है कि मैं जा पाऊंगा। ये देख सकते हो पूरा धूप आ चुकी है ना, पूरा ऐसा ही रहे तो ये अच्छा है, लेकिन इधर का वेदर का कोई भी भरोसा नहीं, एक सेकंड में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर जो हेलीपैड उड़ाते हैं ना वो यहाँ पर आए पायलट, और जब बारिश हो रहा था तब आए और आके मुझसे बात किया, और बात करके बोला कि यार तुम्हें तो जाना चाहिए, साइकिल से आए हो, इतनी मेहनत करके आए हो, तुम्हें जाना चाहिए बोल के यहाँ पर काउंटर पर भी बात किया। तो देखते हैं कि क्या होता है, मेरा तो हो जाएगा शायद, नहीं पता कि क्या होगा, जो होगा भोलेनाथ करेंगे। आज तो मेरा दर्शन नहीं हुआ, और मतलब टिकट भी कैंसिल हो गया, और अभी जो मैं फिर से ऑनलाइन पे टिकट का ऑप्शन देख रहा हूँ वो पूरा स्लॉट फुल हो चुका है। अभी नहीं होगा, अभी मतलब एक महीना तक टिकट ही नहीं होगा ऐसा लग रहा है मुझे, और बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन टिकट भी नहीं होगा, पूरे स्लॉट फुल हो चुके हैं। तो क्या होता है पता नहीं। आज तो मैं इधर से फिर से घूम के जा रहा हूँ, कल फिर से आऊँगा एंड कल देखूँगा। कल अगर नहीं होता है तो मुझे पंच केदार बाकी केदार करना पड़ेगा, और लास्ट में इधर आना पड़ेगा, और थोड़ा सा मेहनत होगा, कोई नहीं महादेव के लिए और थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे। क्योंकि इधर अगर मैं ज़्यादा दिन रुकूंगा ना तो मतलब होटल में तो फ्री में रह रहा हूँ, ठीक है, खाना पीना तो है ना, तो खाने पीने के लिए भी बहुत पैसा चला जाएगा इसके कारण। तो मैं अभी नीचे जा रहा हूँ होटल के उधर, एंड सुबह से मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, वहाँ पर बैठा हुआ था कब आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं, ऐसी आशा पे बैठा हुआ था, बट आया ही नहीं। मैं इधर आप लोग सोच सकते हो सुबह से बैठ के अभी तक जो है बैठा हुआ था, और कुछ भी नहीं खाया, और अभी मैं फिर से जा रहा हूँ रिटर्न। क्या करूँ यार, मतलब अभी क्या करूँ यार, कुछ भी मैं नहीं कर सकता अभी।
इसके कारण अभी तो हेलीपैड पूरा बंद कर दिया बोल रहे, अभी जो यात्री ऊपर है उनको ही लाया जाएगा। क्या बोलूं यार, कल मेरा लास्ट दिन है, अगर कल भी आके मेरा नहीं होता है कल तो मैं ऑफलाइन के लिए आऊँगा, ऑनलाइन तो मेरे पास है नहीं और अभी ऑनलाइन करने का सिस्टम भी नहीं है। स्लॉट पूरा फुल हो चुका है, अभी ऑनलाइन पे हो ही नहीं रहा है, तो मेरे तो पहले से ही पैसे फंस चुके हैं ऑनलाइन पे, ऑनलाइन टिकट पे। तो अभी मतलब ऑफलाइन पे आऊँगा, देखूँगा कल अगर नहीं होता है तो मैं पंच केदार करूँगा और उसके बाद देखते अगर यात्रा खुलता है तो मैं आऊँगा। अगर बारिश नहीं हुआ ना दो तीन दिन, अगर पूरा लगातार धूप हुआ तो यात्रा खुल जाएगा, बट धूप नहीं हो रहा है, इधर वेदर एकदम से चेंज हो रहा है, बहुत बारिश हो रही है ना, इसके कारण हेलीकॉप्टर्स भी ज़्यादा नहीं चल पा रहे, तो वही सीन है। बाकी अभी देखते हैं कि कल क्या होता है, कल फिर से आएंगे देखेंगे। चलो अभी तो और क्या वीडियो मैं बनाऊँ, क्या दिखाऊँ आप लोगों को, वही मैं सोच रहा हूँ। अभी मैं इतना मुसीबत में हूँ, इतना स्ट्रेस है दिमाग पे, क्या बोलूँ, मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ ना, इतना पास होके जस्ट मेरे ऊपर ही है तो इतना पास होके मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, इसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ। अभी तो देखो धूप भी है और अभी बज रहे 5-7 बजे यहाँ पर, मतलब 7:10 या फिर 7:20 को इधर पूरा अंधेरा होता है, उससे पहले जो है पूरा उजाला रहता है, लेकिन अभी तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाएंगे बोला और काउंटर भी सब कुछ बंद कर दिया, तो अभी सारे लोग नीचे आ गए और मैं भी नीचे जा रहा हूँ। और कुछ रास्ता देख सकते हो, ऐसा कुछ है, पूरा जंगल जंगल रास्ता है, तो चलो अभी चल क्या कर सकते हैं ना। दर्शन तो करूँगा भाई, दर्शन नहीं करके तो नहीं जाऊँगा, ये तो दिमाग में बिठा लूँ, दर्शन करके रहूँगा चाहे ऑफलाइन हो या चाहे ऑनलाइन, दर्शन तो करूँगा। मैं सोच रहा हूँ हर टाइम मुझे भगवान हमेशा मुझे बुलाते हैं, जैसे कि मैं कहीं भी किधर भी मंदिर पे जाऊँ ना, तो अगर शिव जी का मंदिर हो तो वहाँ पर मुझे भगवान बुलाते ही बुलाते हैं, शिव जी मुझे बुलाते ही बुलाते हैं, लेकिन केदारनाथ पे मुझे क्यों नहीं बुला रहा, इतनी मुश्किल इतनी कठिनाई के बाद मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ। मतलब मेरे मन में ऐसा अभी लग रहा है कि भगवान बोलना चाहता है कि पहले तुम 5 केदार 4 केदार कर लो, 5 केदार में से पहला केदार पड़ता है केदारनाथ, बट ऐसा मतलब मेरा मतलब सोचना है कि भगवान जी चाह रहे कि तुम पहले 4 केदार कर लो, उसके बाद मेरे पास आओ तब आपका दर्शन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है भगवान जी मुझसे मतलब ऐसा कहना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं वही सोच रहा हूँ। नहीं तो मुझे यार हर जगह पे बुलाते, देखो अभी भी के 5 केदार करने के लिए यहाँ पर बुलाया, तो अभी सोच रहा हूँ कि क्या करूँगा। और आज मैं हेलीपैड के इधर चला जाता हेलीकॉप्टर से, लेकिन क्या सीन हुआ पता है, सब लोग तो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, जो वहाँ पर हेलीकॉप्टर के जो सारे कर्मचारी है ना, जो गार्ड है, सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो एक मैनेजर है, एक्चुअली जो वहाँ का मैनेजर है ना, जो सबकी डॉक्यूमेंट्स लेता है और सबको भेजता है, वही मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी, तो इसलिए वो थोड़ा सा मुझे इग्नोर कर रहा है, दैट्स व्हाई ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, और वही सारे शायद टिकट कैंसिल भी करता है, और मैं अकेला हूँ ना, और सारे लोग मतलब फैमिली के फैमिली आते हैं, मतलब सारे लोग ऐसे आ रहे हैं कि मतलब पूरा 6 लोग 5 लोग पूरा ग्रुप ग्रुप आ रहे हैं, तो एक भी खाली मतलब नहीं जा रहे हैं, तो एक भी सीट खाली होगा तो मुझे वहीं पे भेजेंगे ना, तो वो एक सीट खाली नहीं आ रहा है, सभी पूरा फैमिली 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 आ रहे हैं, और 2-3 ऐसे 4 लोग अगर मतलब अलग हो गए, उन्होंने टिकट किया है, वो लोग वैसा लोग नहीं आ रहे, वैसे लोगों का भी कैंसिल ही कर रहे हैं, इसलिए वो लोग आ नहीं पा रहे, जैसे कि आज मेरा कर दिया और बहुत सारे लोगों का आज किया है, जो कि थे 2 पर्सन थे या फिर 3 पर्सन थे या फिर 1 पर्सन थे, ऐसे लोगों का सारे लोगों का मतलब कैंसिल कर दिया, तो 1 लोग 2 लोग ऐसे होता है तो कैंसिल हो जाता है भाई, आप पूरा मतलब 100% ले लो कैंसिल होगा आपका। मैं नहीं बोल सकता यार, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैं वही बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस जो मेरा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ अलग हो सकता है बट मेरे केस में यही है। सो अभी तो कहाँ से मतलब कितना ऊपर चढ़ के गया था, अब नीचे डाउन पे जा रहा हूँ। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, मैं क्या ही बताऊँ, आप लोगों को दिल से शुक्रिया, आप लोगों को मतलब जितना शुक्रिया बोलूँगा ना उतना मेरे लिए कम है, मतलब क्या बोलूँ यार, दिल से पूरा शुक्रिया है, और बाकी क्या करें, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो मुझे,
मैं अपना मेहनत लगा रहा हूँ, मैं अपना पूरा जो है जी जान लगा रहा हूँ कि दर्शन कर हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। सो भगवान भी शायद यही चाहते हैं कि मैं पंच केदार पहले चार केदार करके आऊँ, एंड उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत होगा, फिर भी भगवान के लिए कुछ भी नहीं, महादेव के लिए कुछ भी नहीं। सो लेट्स गो, कल देखेंगे, एंड उसके बाद सीधा, कल नहीं होगा, सीधा बैक पंच केदार, मतलब चार केदार, मधमेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर। उसके बाद बद्रीनाथ नहीं करूँगा, बद्रीनाथ के पहले फिर से मैं केदारनाथ आऊँगा, और लास्ट में लास्ट बद्रीनाथ, या फिर तो बद्रीनाथ जा सकता हूँ अगर केदारनाथ का जो सिचुएशन ठीक रहा ना, तो मैं आऊँगा फिर से घूम के, नहीं तो बद्रीनाथ चला जाऊँगा, बद्रीनाथ करके लास्ट में केदारनाथ। केदारनाथ तो दर्शन करके ही रहूँगा भाई, मैं करके ही रहूँगा। मुझे अभी पता चल गया सबसे बेस्ट है ना पैदल यात्रा है, यहाँ पर घुमाएंगे मुझे, मुझे पता चल गया कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर के इधर मुझे बहुत घुमाएंगे, चक्कर कटाएंगे, वो मुझे पता चल गया। फिर भी देखते हैं कल लास्ट, होप लेके जाएंगे, और कल नहीं हुआ तो गेम फिनिश। मैं पूरा सज धज के गया था पूरा दर्शन करूँगा बोल के, बट किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। एक्चुअली मैं ना बिना पैसे मांगे भी जो है टिकट कर सकता था, मेरे पास तो हो गया था, बट क्या हुआ पता है, मेरे पास जो पैसे थे ना वो थे भगवान को चराने के लिए, मंदिर पे चराने के लिए मुझे लोगों ने दिया था, तो उससे तो मैं टिकट नहीं कर सकता ना, वो तो मैं भगवान को ही चराऊंगा, इसके कारण मैंने उससे टिकट नहीं किया, क्योंकि जो भगवान के लिए दिया है उनको मैं अपने ऊपर खर्चा नहीं कर सकता, जो मेरे लिए देते हैं उसी को ही मैं खर्चा कर सकता हूँ, इसके कारण मैं उसी को ही अपने ऊपर खर्चा कर सकता हूँ, इसके कारण मैंने नहीं किया, और जो बाकी भगवान के लिए दिया है वो मैं भगवान को चरा दूंगा, इसके कारण मैंने नहीं किया। सो अभी तो हो गया मेरा, अभी पैसा पूरा हो गया और टिकट भी खो गया, कैंसिल हो गया, अभी दोबारा तो मैं टिकट नहीं करूँगा, और अभी जितने भी मेरे पास बचे हैं उससे मैं कल ट्राई करूँगा, और नहीं होता है तो देखा जाएगा जो होगा। आ चुका है मेरा पूरा खाना, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, अभी खा रहा हूँ जस्ट। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया, क्या करना पता ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ में एक बार से कमेंट करने, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हर हर महादेव।